बेसिकली मैं किस इंडस्ट्री में 25 इयर्स में हूँ। उसका पहले मैं एक स्कूल टीचर थी। स्कूल टीचर में जो जॉब सेटिस्फेक्शन है वो मेरा थी, लेकिन जो पैसा आता है उसमें मेरा सेटिस्फेक्शन है, क्योंकि सपना इतना बड़ा है, लेकिन जब सपना उतना बड़ा थी ना तो पैसा ज़्यादा नहीं। मेरा हस्बैंड एक सीबीआई ऑफिसर, लेकिन कुछ रीजन से वो नौकरी छोड़ दिया, रिजाइन किया। उसके बाद वो एमबीए किया, वो कैनेडा यूनिवर्सिटी से इंग्लिश में एमए किया है। उसके बाद वो एमबीए किया है, एमबीए करने के बाद सारे कामा जो है एचएमबी का डेप्यूटी पर्सनल मैनेजर, उसमें खुशी थी। क्योंकि उसके बाद क्या हुआ ना, उसका एक फ्रेंड उसको बोला कि तुम बिजनेस में आ जाओ। उसका जो नेचर है ना, नेचर में बिजनेस करना ठीक नहीं मेरे को लगता है आज, लेकिन तब तो मेरा उतना उम्र नहीं था, मेरे को मालूम ही नहीं ये बिजनेस कैसे करना है, क्या पैसा कमाना है। एक्चुअली मैं जिस घर से बिलोंग किया है वो पढ़ाई पूरा, मेरा पापा भी टीचर, दीदी भी प्रोफेसर, दादा भी प्रोफेसर, तो मेरा उतना मालूम ही नहीं है व्हाट इज बिजनेस। लेकिन बिजनेस करने के बाद कुछ ऐसा अच्छा किया, उसके बाद तो 44 लाख बैंक का कर्ज हो गया, बेटी का शादी हो गया। हम लोग सोचा कि अभी सुइसाइड बिना मेरा पास कुछ ऑप्शन नहीं है। मेरा हस्बैंड बोला चलो सुइसाइड ही हम लोग कर लें, तो क्या है बेटी भी सुखी रहेंगे और दामाद भी अच्छा है, तो हम लोग को कहाँ से इतना पैसा देंगे। 44 लाख इज नॉट ए मैटर ऑफ जो, तो मॉर्निंग में तो नहीं सोते हैं, मैं तो उसको समझाते हैं, लेकिन इतना स्ट्रेस भगवान किसी को इतना स्ट्रेस लाइफ में नहीं देने से मैं खुशी होती, लेकिन हम लोग का इतना स्ट्रेस था। 950 उस टाइम में हमारा घर का रेट था, तो 950 भी मेरा इनकम नहीं था हम लोग का, तो कैसे घर चलाएं। खाने के लिए 5 रुपया के लिए हम लोग को सोचना पड़ता कि कैसे आज के बाजार में कम से कम दाल चावल भी हम लोग को घर में आए। तो उसी टाइम में मैं एक लेडी का साथ मुलाकात हुआ, जो मेरे को समझाया बोली गया के बारे में। इन द ईयर 1998 या 99 एग्जैक्टली मेरे को मालूम नहीं, बोली क्या तो ज्वाइन कर लिया है। उसी टाइम में 1950 रुपया का एक किट मिल रहा था, वो पैसा तो मेरा पास नहीं, मेरा एल्डर सिस्टर मेरे को हर टाइम सपोर्ट किया, तो उसी पैसा में मैंने बोली क्या ज्वाइन किया। लेकिन 15 से 20 प्रोडक्ट्स उस टाइम में टोटल था, और प्राइस रेंज मैंने आज की जो प्राइस है मान लो 100 तक 400 रुपया था, और हमारा भी माहौल ऐसा नहीं है जो सब लोग मेरे से इतना ले लेंगे, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली है। तो मैंने सोच सोच के तभी 4 महीने जान लगा दिया, रिक्रूट भी कर लिया, लेकिन इतना सामान घर में डिपॉजिट होते जाए कहाँ सेल करेगा, इतना ज़्यादा प्राइस वाला मेरे को तो मालूम ही नहीं। तो धीरे धीरे मैं मोदी क्या छोड़ दिया। उसके बाद एक बंदा ने मेरे को तपरवार ज्वाइन कराया कि सब लोग मेरे बारे में इतना सोचना शुरू किया, जिसको सपोर्ट की जरूरत है, तो एक फ्रेंड आके खींच के साथ तपरवार में ज्वाइन करा दिया। लेकिन लेडीज लोगों को क्या है ना, वो सब चीज में बहुत अच्छा लगता है ना, तपरवार में डिब्बा बॉटल है जो मैंने जो मिलता है वहाँ पर, मेरा भी उसमें बहुत चीज पसंद है, तो मैंने ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद बोला रिक्रूट करना, अभी ये रिक्रूट वीक चल रहे हैं, तो आप 4 रिक्रूट करेगा तो 4 आपको डब्बा मिल जाएगा। तो 4 रिक्रूट तो किया है, पैसा तो नहीं मिला, 4 डब्बा मिल गया, तो घर में 4 डिब्बा रख के धीरे धीरे तो मेरा तो डब्बा का घर बना लिया, पैसा तो नहीं आता है डब्बा का घर बना लिया, अरे ये सब कौन लेंगे मेरे से, तो हमारा पास इतना जान पहचान इतना तो नहीं है लेने वाला, वो तो मेरा जो मई का घर है और ये ससुराल का जो है यही तो है, और जो फ्रेंड्स लोग तो पहले थी वो सब तो अभी छोड़ दिया ना, स्कूल कॉलेज जो टीचर वो सब सब किसी को साथ मेरा जान पहचान, किसको हम बेचूंगा। तो पागल हो जाता, रात में नींद नहीं आता है कि कैसे मैं अपने जो अभी चेंज हम कैसे कर सकते हैं, और किसका बीच बीच में बैंक का मैनेजर डेली
धन हमें भर जाता है, 40 लाख का हो गया, 20 लाख हो गया, 30 लाख हो गया, क्योंकि वो तो कंपाउंड इंटरेस्ट में जुड़ जाता है ना। मैंने वो मेरा घर में आता है लेकिन मैं उसको धमकी से बात करती हूँ, आई डोंट नो मेरा पावर उसी टाइम में कहाँ से आता है। मैंने उसको एक ही चीज बोला, अब जितना बार मेरा घर में आओ एक कप चाय तो पी के जाओ, लेकिन आपको एक पैसा नहीं मिलेगा जब तक मैं इनकम नहीं शुरू कर सकता, लेकिन जब मेरा इनकम शुरू होगा आपको पैसा देना स्टार्ट करूंगा। आप चिंता मत कीजिए, आपको पूरा हम क्लियर करके उड़ जाएंगे। बोलो सब फालतू बात मत कीजिए, एक कीजिए वो कीजिए, ऐसा होता है नॉर्मली। ऐसे बैंक मैनेजर मेरा साथ बात करते हैं, लेकिन उसके बाद तंबाकू छोड़ दिया है। और एक लेडी आया है मेरा घर में, चलो तू मेरा साथ थोड़ी फ्लिप कर। लेडीज लोगों को तो एक है ना, कोई भी ये सब चीज देखने से हाथ तो लगा देते हैं, तो मैं भी वैसे ही देख के दो चार चीज, चलो लिपस्टिक है, नेल पॉलिश है, ये भी है, चलो मेंबर तो बन गया। तो मेंबर बनने से उसी टाइम में 2.49 कुछ डिस्काउंट चल रहा है, पूजा का टाइम था, ये भी मालूम है अक्टूबर मंथ में। तो लेकिन मेरा घर में कुछ एक्सीडेंट हुआ, मेरा भी उस टाइम वो जो हिस्टेरेक्टमी करना पड़ा, यूट्रस ओवरी को निकालना पड़ा, मेजर ऑपरेशन है, तो मैं तो नहीं कर पाया। उसके बाद जनवरी में मेरा एल्डर ब्रादर को एक्सपायर हुआ, उसका दामाद एक्सपायर हुआ, तो घर में इतना सब प्रॉब्लम चल रहा है, तो मैं कुछ नहीं कर पाया। लेकिन वो जो ऑफलाइन आए हर मंथ मेरे को कॉल कर दिया। उसके बाद मैंने मई महीने में ऑफिस थोड़ा सब सेटल करके मई महीने में ऑफिस पहुंचा, तो मैंने को बोला आप तो कर सकते हो, बोला मेरे को भी मालूम है मैं कर सकती हूँ, लेकिन मेरा पास पैसा तो नहीं है, पहले तो प्रोडक्ट उठाना पड़ेगा, मैं क्या करूँ, प्रोडक्ट उठाने के लिए मेरे पास एक पैसा नहीं है। देखिए वो तो आपको लेके आना है, ठीक है चलो 3000 रुपया मेरा दीदी से और मांग के मैंने शुरू किया। मेरा ऑफलाइन कुछ चीज अच्छा सिखाया, मैं कभी कभी उसको गाली देते हैं बहुत कुछ मेरा खराब किया है, लेकिन कुछ चीज अच्छा सिखाया जो आज भी मैं वो मान के चलते हैं। मैं को बोला तू का टास्क हम देंगे, यार टास्क 7 डेज है हुई तो, लेकिन हम लोग को साथ 6 दिन मिलता है, संडे को छुट्टी रहता है, आपको 6 दिन में 6 रिक्रूट करना है, 6 दिन में 6 रिक्रूट वही है, चैलेंज इज माई पासवर्ड, मैंने भी कम बताया, ठीक है डन। मैंने बोला डन, मालूम नहीं किसके पास जाएंगे किसको बताएंगे कुछ मालूम नहीं, फिर क्या तो कंप्लीट कर दिया है। मैं के जब भी तनखा से इसको खींच के ऑफिस में लेके आते हैं, मछली को पकड़ के लेके आते हैं, लेकिन मैं उसको पकड़ के लेके आती हूँ, चलो आप उसको क्या चॉप बनाओ कि फ्राई बनाओ तो आप बनाओ। वो जो 5 लोग रिक्रूट हो गया है, क्या करेगा बाद में मालूम नहीं, रिक्रूट तो हो गया। 6 डे मैंने ऑफिस में बैठा है, अभी भी वो दिन याद है, वो आके मेरे बोला क्या खत्म आपका एनर्जी, क्या आज तो रिक्रूट करना है, 6 रिक्रूट चली 5 हुआ, 6 तो नहीं हुआ, तो कौन बोला खत्म हुआ, कोई तो चैलेंज हारने वाला नहीं है, कोई नहीं है पास में, मतलब अभी मैं कोई कर रहा है उसको पास अभी जाएंगे, लेकिन अंदर में तो दुख दुख कर रहा है, वहाँ जाएंगे किसको पास जाएंगे। एक ओरिफ्लेम का बैग मेरा पास उसी टाइम में, वो बैग लेके मेरे को तो पता है कि मोनिका का ऑफिस कहाँ है, तो मोदी केयर ऑफिस तो 5 मिनट थे, तो मोदी केयर से पैदल नहीं जा सकते हैं। ऑफिस में जब हम पहुंचे उसके पास में एक लड़का मोदी केयर का बैग लेके खड़ा था। मैंने उसको पूछा अच्छा मोदी केयर का ऑफिस कहाँ है, तुमको तो पता है कहाँ है। आप एक चीज याद रखिए, आपका पास कोई पूछेगा वो मोदी केयर का ऑफिस का सामने आके मोदी केयर का ऑफिस कहाँ है, तो आप तुरंत उसको पकड़ लेते हैं, क्या समझा ना बोलिए ना, मैं बोल बैठे बैठे आप चाय पी के घर चलिए, कोई भी दुकान में बैठ के आपको समझा देंगे, है कि नहीं। वही चीज हुआ है, वही मेरे को बताया, मैं अगरतला से आया है, मैं अगरतला से आया है, यहाँ पे हमारा कोई सेमिनार, मैं डायरेक्टर हूँ, आज अभी भी उसको याद होता है कैसे वो बात किया, मैं डायरेक्टर हूँ जनरेशन प्लान, जनरेशन प्लान में डायरेक्टर
कहकर अभी कॉन्फ्रेंस में मैं आए अगरतला से आए हम लोग हम भी एक कंसल्टेंट है ओरिफ्लेम का। देखिए एज उमर वो तो यंग है, मैं तो उसी टाइम में भी 45 तो मैं तो सेम जून में है। तो मैंने बोला चलो मेरा साथ ऑफिस में चलो, मैं तुमको बैठ के समझा दे रही हूँ। लेकिन हमको तो कोई पता नहीं क्या समझाएंगे उसको, मैं उसको खींच के लेके आया था ऑफिस में। तो मेरा अपना ही वहाँ पर उसको समझाया कि अपना इनका क्या कॉल आया वो चला गया। मतलब कल तो मेरा फ्लाइट है, कल तो चला जाएगा, मतलब फ्लाइट कैंसिल करो। हाँ मैं कुछ पता नहीं, मैंने उसको बोल दिया फ्लाइट को कैंसिल कर, मालूम नहीं कब ऊपर वाला का आशीर्वाद मिलता है। बोला ठीक है फ्लाइट कैंसिल कर दिए, हो सकता है उसी टाइम में उसको सोच भी ऐसा ही था, मोदी के में आगे बढ़ना मुश्किल है क्योंकि मोदी के में प्रोडक्ट ज्यादा नहीं था, ना विजन था ना मिशन था। वो भी आया है, मालूम नहीं उसका लेवल क्या है, मेरे को तो बोला डायरेक्टर। नेक्स्ट दिन वो ऑफिस में आके रिक्रूट होने के लिए सोचा, ओलिफ्लेम के बारे में तब उसको थोड़ा पता है, मेरे जितना नहीं उससे ज्यादा उसको पता है कि वो तो नेटवर्क का है ना। मैंने 10 बजे बोला आएगा, 10 बजे मैं ऑफिस पहुंच गया, 10 बजे से 4:30 बजे तक हम बाहर में खड़ा है लेकिन वो नहीं आ रहा है। तब ना मोबाइल फोन ना कहाँ पे लैंड फोन, लेकिन उसे कॉन्टैक्ट कैसे करो। एक फोन नंबर दिया, एक दुकान में जाके मैंने कॉल किया उसको, दूसरा किसी को मामा का घर पे लड़की के बोलो तो मॉर्निंग में निकाल दिया, बाहर गया वो मॉर्निंग में निकाल दिया तो पंछी तो हो गया मेरे को तो लगता है। लेकिन 6 बजे ऑफिस बंद हो जाएगा, तो मैंने ऑफिस का हेड को पास आके एक बार दौड़ दौड़ के बोल रहा है अरे तुम थोड़ा वेट करो ना आ जाएगा ये मोदी केयर का डायरेक्टर। अरे जोर जोर से रास्ता में भाग के देखता है इधर उधर क्या है कि नहीं। 4:45 बजे वो बंदा अनिल उसका नाम है, वो आके मेरे को बताया दीदी अभी भी खड़ा है ना, अभी भी मींस 10 बजे से तुम टाइम के 10 बजे से यहाँ पे खड़ा है लेकिन अभी भी तुम नहीं आया है। मैं वही सोचा तुम कहाँ खो गया है।